यूपी के अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस आयोजन के लिए देश भर के शहरों के राम मंदिरों में भी निमंत्रण पत्र और पीले चावल भेजे जा रहे हैं। वहीं सावता स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के कोठारी और प्रसिद्ध कथावाचक खानदेश रत्न शास्त्री भक्त किशोर साजी को भी अयोध्या में पहुंचने का निमंत्रण भेजा गया है। निमंत्रण पत्र मिलने से उत्साहित मंदिर समिति ने निमंत्रण पत्र को भगवान के चरणों में अर्पित किया। साथ ही संतों ने जनता से 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दिवाली की तरह प्रकाश व्यवस्था करने की अपील की है। सबसे पहले तो मैं भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और माननीय अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके सारी टीम को मैं बधाई दूंगा और उनका भी अभिवादन करूंगा कि जिन्हों के प्रयास से आज भगवान रामचंद्र जी उनके घर में उनके राजमहल में वहाँ प्रस्थापित होने जा रहे हैं और ये हमारा सभी का सौभाग्य है, भारतवासियों का सौभाग्य है, उसके अलावा सारे विश्व का ये सौभाग्य है कि भगवान रामचंद्र के प्रति जो श्रद्धा है जो आस्था है वो हमारी आस्था अद्वितीय आस्था है, उनमें बदल नहीं होने वाला। तो आज भगवान रामचंद्र जी वहाँ बैठने वाले हैं, उनकी प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो हमें भी वहाँ उनके दर्शन का सौभाग्य मिला है। तो ये मैं मेरा ही सौभाग्य समझता हूँ। भगवान स्वामीनारायण की, हनुमान जी की, गुरुदेव गोपालानंद स्वामी जी की कृपा है कि हमें भी भगवान रामचंद्र जी के दर्शन करने का अवसर।